नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। गया के गांधी मैदान में भूमि अधिकार अभियान द्वारा 5-5 डिसमिल भूमिहीन महादलितों को देने की मांग को लेकर एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र राजवंशी ने की। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में भूमिहीन महादलित उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए अनुसूचित जाति संघर्ष परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय पासवान ने कहा कि सरकार ने 3 डिसमिल का परवाना दे दिया है, परंतु अभी तक जमीन की मापी नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर SC ST एक्ट को सरकार द्वारा कमजोर कर दिया गया है। हम सामाजिक संगठनों की ओर से SC ST एक्ट को पुनः बहाल करने की मांग करते हैं, और यदि मांग पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन और तीव्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 30 जुलाई को पूरे बिहार में भूमिहीन महादलित रोड पर खटिया लगाकर आंदोलन करेंगे। हम लोगों का सिर्फ एक ही डिमांड है, इस भारत में कोई भी आया है धरती पर तो आसमान से नहीं टपका है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माँ के गर्भ से निकला है और धरती लेकर जमीन लेकर धरती पर नहीं आया। तो किसी के पास में हजार हजार स्क्वायर फीट का मकान हो और किसी के पास में झोपड़ी नहीं हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं मानव के द्वारा हेरा फेरी किया। तो जिसकी महल है उसको हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि गरीब मजलूम लोग जो हैं, बेघर जो लोग हैं, इनको कम से कम एक झोपड़ी जरूर मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और नीतीश सरकार जिसको हम लोगों ने वोट दिया, दलित महादलित लोगों ने वोट दिया और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उन्हीं का घोषणा है कि सबको 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा। अभी तक नहीं मिला है और न कब्जा हुआ है, और जब तक नहीं होगा ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ पूरे बिहार के लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, मगध प्रमंडल से ज़्यादा लोग जुटे हैं। और जिन्होंने महादलित कंसेप्ट को बिहार में लागू किया, वो रजवाड़ा और मेहतर और बाकी जो डोम समाज के लोग हैं, नर समाज के लोग हैं, इसकी अपेक्षा की है, प्रतिनिधित्व में ही नहीं मिला। और हम लोग पीड़ित हैं भाई कि हमारे समाज का जो आवाज़ जो है वो संसद और सदन में कैसे उठे, और उठाने वाले कोई नहीं है। अब नतीजा यह है कि जिस समाज से हम लोग आते हैं तो वो पीड़ित समाज है और महादलित में भी वंचित है। ऐसी स्थिति में जो है हम लोग का जो समाज है वो आंदोलित है और वो संघर्ष किया का रास्ता अख्तियार कर रहा है, और वो शांतिपूर्ण संघर्ष, चूँकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं और हम लोग संवैधानिक लोग तरीके से जो है, चूँकि संविधान में भी विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये लोकतंत्र की शक्ति है। जिस शक्ति के बदौलत सरकार बनती है उस शक्ति के बदौलत सरकार जाती भी है। तो हम लोग सरकार को आईना दिखा रहे हैं, और ये दुख की बात है कि जब रथ यात्रा जब निकला पूरे बिहार में, तो जिसको 3 डिसमिल जमीन मिला है, जिसको 3 डिसमिल जमीन मिला उसको जो है कि दखल नहीं हुआ है, उसको कहीं खाली परमाना लेकर संतोष करवाने की बात हो गई है। तो इस तरह की व्यवस्था जहाँ पे है वहाँ पे निश्चित रूप से आंदोलन होगा। मांडल उपखंड क्षेत्र के कई गांव में सुबह से ही तेज एवं धीमी बारिश का दौर जारी रहा। भगवानपुरा, धुवाला, मांडल सहित बड़े कस्बों में भी सुबह से ही बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं सड़क पर दुपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव की समस्या के समाचार भी मिले हैं। विदित है कि मांडल उपखंड क्षेत्र लगातार अकाल की समस्या से जूझ रहा है। गर्मी के मौसम में ग्रामीण महंगे दामों पर टैंकर मंगवाकर प्यास बुझाने को मजबूर रहते हैं। जामताड़ा में एक युवक की हत्या गोली मार कर दी गई। घटना बीते रात की है। इमरान अंसारी नामक युवक नारायणपुर थाना क्षेत्र के फुलझरिया गांव का रहने वाला था। मृतक की लाश सुबह मुंगिया मारनी और रूपडीह के बीच एक नदी के पास मिली है। वहीं पर युवक का मोटरसाइकिल भी पड़ा हुआ है। हत्यारों ने उसके सर पर गोली मारी है, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वह अपराधी किस्म का व्यक्ति था और कुछ ही दिनों पहले वह जेल से छूट कर आया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लाश को अपने कब्जे में ले लिया। परिवार वालों ने बताया कि 2 युवक उसको घर से बुलाकर ले गए थे, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या के पीछे कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। घर से बुला के ले गया 8 बजे रात, बीरा बोला, बोल चाल कर रहा था मोड़ में 8 बजे रात, और वहीं से ले गया वो। और एक ठो था यहाँ के महबूब था बांसडी का, और एक ठो इंताज था पंडरिया का। तीनों मिल के ले गया है इसको, वही लोग ले गया है। हाँ, आज सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि ग्राम मुंगिया मुरनी के पास बागडोरा
बागडोर बागडोरो नदी के किनारे किसी लड़का का लाश है तथा उसे गोली मारा गया है। अभी हम लोग आए हैं, अभी छानबीन की जा रही है, क्या कार्रवाई होगी बाद में। समस्तीपुर पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए जिले के टॉप 10 इनामी कुख्यात अपराधी पप्पू चौधरी सहित कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 मास्केट राइफल, 5 मैगजीन, अर्धनिर्मित राइफल का बट बैरल, 19 कारतूस, 14 मोबाइल फोन और 7,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। इस मामले में एसपी दीपक रंजन का कहना है कि पप्पू चौधरी 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है। इसके ऊपर जिले के कई थानों में लूट, हत्या और रंगदारी जैसे 15 से ज्यादा मामले दर्ज है। टॉप 10 अपराधकारियों में शामिल पप्पू चौधरी, जिसकी हम लोगों को बहुत दिनों से तलाश थी और इस जिले में इसने रंगदारी, हत्या और सुपारी के लिए, ये पेशेवर काम है इसका, इसका एक ग्रुप है। इसी ग्रुप के डब्लू झा को गत वर्ष हम लोगों ने पकड़ा था। पप्पू चौधरी उर्फ दिनेश चौधरी यह साकिन रूपौली थाना मुसरीघरारी जिला समस्तीपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर इस जिले में 15 केस चल रहे हैं, जो मुख्यतः हत्या, रंगदारी और सुपारी किलिंग से रिलेटेड हैं। पिस्टल, कट्टा, मस्केट मैगजीन और बट बैरल, कारतूस, गोली, मोबाइल और नगद भी हम लोगों ने साथ में जब्त किया है, इनके पास से बरामद किया गया है। ये सभी अपराधकर्मी बहुत ही शातिर और पेशेवर अपराधकर्मी हैं। और हत्या और रंगदारी, यही मेरा मुख्य क्राइम था। और कुछ तो अभी क्या योजना मांग रहे हैं? अभी योजना यही था, रंगदारी उंगदारी मांगने का योजना था। दिनेश शर्मा का क्या भूमिका? दिनेश शर्मा का क्या भूमिका? उनका भूमिका है, वही संरक्षण देते हैं सबको। और वो क्या करते हैं? वो उनका कार, अपना डीलरशिप है, पेट्रोल पंप है और इसको इसके बाद गैस एजेंसी है। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। सरकार चाहे लाख नारी सशक्तिकरण की बात करे, पर भोजपुर में नारियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सिकरहटा थाना क्षेत्र का है, जहां 16 वर्षीय दलित नाबालिग युवती से गैंगरेप करने का मामला प्रकाश में आया है। नाबालिग पीड़िता के मुताबिक 4 की संख्या में रहे मंचलों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सिकरहटा थाना क्षेत्र के सिकरहटा कला गांव में नाबालिग युवती देर शाम शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी पहले से घात लगाए गांव के ही 4 नामजद युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों द्वारा घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग पीड़िता को छुरा मारकर हत्या करने की बात कही गई। घटना को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से फरार हो गए। नाबालिग युवती ने आप बीती घर वालों को बताई, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने इसकी तत्काल सूचना स्थानीय सिकरहटा थाने को दी। पीड़िता के बयान पर पुलिस ने राजू सोनकी, संतोष पासवान, रमेश मुसहर, राजेंद्र जायसवाल मुसहर पर नामजद मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए आरा सदर अस्पताल भेजा है। इस मामले में अभी भी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं। के धर रहा है? मुस्टोलिया के रहन जा। के रहे? कौन लेकर रहन? नाम नहीं क्यों करेंगे? क्या नाम है? रमेश नाम है। हैं? रमेश। आओ के रहे? जबरदस्ती करते रहे लोग? का मुंह बांध रहे लोग? मैंने गलत काम कर रहे लोग? गलत काम कर रहा सन? कहाँ गई रहो तब? बाहर सारे गए रहे। अच्छा, कौ गो रहे लोग? 4 गो। हजारीबाग के टाटीझरिया प्रखंड के आंगो थाना क्षेत्र के चोचा गांव के 40 आदिवासी परिवार आज भी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। सरकार के द्वारा लगाया गया एकमात्र चापाकल पिछले 1 वर्ष से खराब है। सरकार के विकास के दावों के रूप में केवल 1 चापाकल है, जो पिछले 1 वर्ष से खराब पड़ा है। हर जगह गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुखिया, सरपंच, बीडीओ को कई बार गुहार लगाया गया, लेकिन आज तक न चापाकल की
मरम्मत हुई है, न ही पेयजल संबंधित अन्य सुविधा मुहैया हुई है। दूषित पानी पीने से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। अधिकारी कितने सजग हैं? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक साल से यहां का एकमात्र चापाकल मरम्मत के अभाव में बेकार पड़ा है और अब तो इस गांव के पानी के कारण सामाजिक बहिष्कार से स्थिति और बदतर हो गई है और इस बहिष्कार में इनका कोई कसूर नहीं क्योंकि सरकार इनके लिए एक अदद भी मुहैया नहीं करा सकी। नव प्राथमिक विद्यालय चौचा के हैं टीचर, मेरे मात्र हम अकेले शिक्षक हैं, रसोईया मेरे एक है ना, तो यहाँ चापानल से ही है, पानी की व्यवस्था अच्छा नहीं है। हम लोग कुआं से जो पानी पीते हैं वो गंदा पानी पीते हैं ना, तो मेरा किचन सेड है ना, तो चापानल से ही है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसका भागीदारी कौन होगा? इसलिए मेरा ये पर्सनल अपने बात तो नहीं है, मेरा समाज या तो गाँव का भी किस तरह यहाँ व्यवस्था करे कि बच्चे सुरक्षित रहे। यहाँ गंदा पानी पी के बहुत बच्चे ऐसे हो जाते हैं बीमार कि आ नहीं पाते हैं, हमारा स्कूल में खतर नामांकन है और प्रेजेंट ऐसे 56-57 आते हैं, आज का मेरा प्रेजेंट था 41 बच्चा। ऐसा है कि टटीझरिया के बिड़म पंचायत में चोचा गांव है जहां की अभी संज्ञान में आया है कि चापाकल खराब है, तो मैं कोशिश करता हूँ 72 घंटा के अंदर वहाँ चापाकल निश्चित रूप से बनवा दूंगा और वहाँ समस्या का समाधान हो जाएगा। मिस्त्री तो आज भी मगर पट्टा में बगल में काम कर रहा है, ऐसा हम लोग को संज्ञान में आने पर तुरंत एक्शन लेते हैं। चोचा के बारे में अभी संज्ञान में आया है, इस मामला को हम लोग जल्द से जल्द उसको सटल करें। कहीं भी जाते हैं तो लड़की खोजने को देखता बोलता है नहीं से, देखो ये पानी सुविधा नहीं है तुम लोग पास, यहाँ चोचा गांव में पानी का सुविधा नहीं है, कौन लड़की देने जाएगा? नहीं जाएगा, हम लोग का लड़की जाएगा तो वहाँ कितना तकलीफ में रहेगी। देखो यहाँ पानी का सुविधा कैसा है, यहाँ भी जानवर पीता है और कुत्ता भी पीता है, इसलिए बोलता है कोई लड़की कहीं ठीक करने जाता है तब बोलता है नहीं से वहाँ पानी का सुविधा है तो आप लोग को कहीं बाहर चल जाएगा तो बीमार पड़ेगी, क्या होएगी, ये गंदा पानी पीता है। वीडियो भी खुद आकर के यहाँ देख के गया, वो भी नहीं ध्यान दे रहा है, कहो तो नहीं करवा देंगे पानी का सुविधा, डिबोरिंग कर देंगे। अभी तक इतना 2 साल हो गया अभी तक का क्या मालूम क्या किधर चल गया, ये भी नहीं ध्यान दे रहा है। गया के गांधी मंडल में राजद पार्टी की बैठक संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक विनोद कुमार यादवेदू ने की। इस अवसर पर बिहार प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामबलि सिंह चंद्रवंशी आए हुए थे। इनके नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से गया जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के पद पर वीर प्रताप चौहान को मनोनीत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष रामबलि सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि प्रत्येक जिले में अध्यक्ष का चुनाव कर उन्हें कार्यभार सौंपा है कि पार्टी को अति पिछड़ा की समस्या को जाने और उसका समाधान करे। उक्त बातों का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक विनोद कुमार यादवेदू प्रकाश डालते हुए कहा कि गया जिले के 24 प्रखंडों का भार जिला अध्यक्ष को सौंपा गया है। आज अति पिछड़ा वर्ग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार उसे उपेक्षित कर रही है। उन्हें सब मुद्दे को लेकर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को जागरूक एवं उनकी समस्याओं के समाधान पर बल दिया जाएगा। जी, कुछ लोगों का ये भ्रम है कि जो भी मैं कार्य करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं सही हूँ या नहीं हूँ, ये कुछ दिन में ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। पिछड़ा प्रकोष्ठ चलता है जिसमें लगभग 113 जातियाँ हैं, उन समूहों का आज गया जिला की बैठक थी। इसमें मुख्य एजेंडा था कि गया जिला अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का चयन। वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करते हैं लेकिन हम जब से अध्यक्ष बने उस समय से यह परंपरा हमने विकसित किया है कि जिलों में जा करके बैठक करेंगे, बैठक में आम सहमति से हम लोग जिला अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और आज उन्हें सर्वसम्मति से वीर प्रताप उर्फ तुलसी चौहान जी को हम लोग ने जिला अध्यक्ष पर मनोनीत किया है। आज से इनकी दायित्व है कि पूरे जो 24 प्रखंड है जिले के अंदर सब प्रखंडों में संगठन को मजबूत करके और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद और ये तेजस्वी यादव जो हैं उनकी जो नीतियां हैं सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता उसको मजबूत करेंगे। हजारीबाग मुफसिल थाना क्षेत्र के
जवेरी स्थित पिंजरा पोल सोसाइटी जहां की एक प्रसिद्ध गौशाला है और उस गौशाला में इलाज होने या फिर बूढ़ी हो चुकी गायों को रखा जाता है और हजारीबाग के लोग वर्ष में एक बार वहां जाकर दान जरूर देते हैं। इसके साथ ही वर्ष में एक विशाल मेले का भी आयोजन होता है। अपने संसदीय क्षेत्र के इस पिंजरा पोल सोसाइटी का हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने निरीक्षण किया एवं समिति के प्रमुख लोगों के साथ वहां के समस्याओं पर विचार भी किया। हमारे इष्ट देव का मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवित इष्ट देव जो हमारे साथ रहते हैं, हम चाहते हैं पहले उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था हो, वो कर पाए, हमारा दिल को तसल्ली हो कि हम एक अच्छी व्यवस्था चला पा रहे हैं, हमारी कोई गाय भूख से नहीं मर रही है, इलाज के लिए नहीं मर रही है, दिन वो 42 डिग्री टेम्परेचर, रात में वो 8 डिग्री टेम्परेचर में नहीं रह रही है, उनके सर पर छत है, उनको इलाज हो रहा है, उनको खाना मिल रहा है, तो ये हमारी तो पहली प्रायोरिटी है। लेकिन सर ने जैसा कहा मंदिर, उसका हम लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा, उससे जो आमदनी आएगी अल्टीमेटली वो किसी निजी ग्रुप में तो जाएगी नहीं, हमारी गौशाला को या किसी और ऐसे समाजसेवी संस्था को ही जाए, तो उससे हमारा गौशाला का भी लाभ होगा। तो इस विषय को हम अपनी कम्युनिटी में उठाएंगे और इसे पूरा मूर्त रूप में देने की कोशिश करेंगे। ये एक सुझाव है जैसे मैंने कहा कि तीन चार और जगह लोग इस विषय पे सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग इस रास्ते पर चलें, इसके बारे में सोचें और आपकी सोसाइटी के द्वारा लोगों को ये पसंद आए, तब हम लोग इसको आगे ले जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग भविष्य के लिए क्या संस्था पूरे समाज के लिए, झारखंड के लिए हम लोग बना सकते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। और जिस निष्ठा से और जिस ईमानदारी से आप लोग इस संस्था को आप चलाते आए हैं, उसी तरीके से आप लोग उस संस्था को चलाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 के अनुसार संपूर्ण भारत वर्ष में झारखंड के हजारीबाग का नाम 100 शहरों में शुमार होने पर हजारीबाग नगर निगम काफी उत्साहित दिख रहा है। उत्साह का आलम यह है कि बरसात के शुरुआती दिनों में ही नगर निगम अपने सभी कामगारों के साथ मिलकर रूट चार्ट तैयार कर चुका है और काम पर लग गए हैं। नगर निगम के अधिकारी खुद ही मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हजारीबाग के मेन रोड स्थित कई जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि वे यूं ही मेहनत करते रहेंगे। पहले सुबह से ही साफ सफाई करवाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, शहर के बीचों बीच में ये प्लॉट है और यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था हम लोग को डेवलप करना है, आसमान की जमीन है, तो आज संडे को भी हम लोग सुबह कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी जो फिलहाल कूड़ा कचरा जितना है वहाँ पे सब साफ करा रहे हैं, जो सीएनडी मटेरियल है उसको हम लोग जो गड्ढा उठा जो पानी आ गया वहाँ निकाल रहे हैं, ये अभियान से चलते रहे। जमशेदपुर में राजनगर प्रखंड के बी कुटुंब में उत्कलीय ब्राह्मण समाज झारखंड का 8वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन राजनगर प्रखंड के ब्राह्मण शासन कुटुंब में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा ब्राह्मण कुटुंब शासन गर्व के वरिष्ठ नागरिक श्री शशधर मिश्र वासुदेव पाणिग्रही को प्रशस्ति पत्र और साल भेंट कर सम्मानित किया गया। ब्राह्मण उत्कलीय ब्राह्मण समाज की जो बैठक है उसमें मुझे सौभाग्य हुआ है आज उसमें भाग लेने का, और जो सामाजिक गतिविधियां होनी चाहिए किसी भी समाज की, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में हमें ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, किस तरह से जो समाज है उसको और एकत्रित किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर आज बहुत गंभीर चर्चा हुई जिसमें कई वरिष्ठ वक्ताओं ने, जिनको बहुत लंबा अनुभव रहा है सामाजिक जीवन का, उन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और इस सारी बातों को लेकर आगे किस तरह से और समाज को और सुदृढ़ किया जा सकता है, किस तरह से हम ज़्यादा अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, इन सभी बातों पर चर्चा। हजारीबाग के चाक मंडी जो कि अवैध क्रशर के लिए मशहूर माना जाता है और साथ ही पत्थरों की अवैध खदानों का जाल बिछा है इस इलाके में, इसको लेकर जिला प्रशासन हजारीबाग की पहले भी कार्रवाई होती रही है, परंतु फिर भी इस उद्योग से जुड़े लोग अवैध खनन से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर हजारीबाग के सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य रंजन ने टास्क फोर्स लेकर कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत इचाक के सिझुआ पर कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई में अवैध पत्थरों के क्रशर को जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई का स्थानीय लोग और क्रशर चालकों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है, परंतु पुलिस बल की तैनाती ने इनके विरोध के स्वर को धीमा कर रखा है।
बेसिकली चाक में डुमरौन में पूरा फॉरेस्ट एरिया भी है और कई लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। तो हम लोगों ने सुबह पहले भी लोगों को आगाह कर दिया है कि आप लोग पेड़ और बाउंड्री लगा लीजिए। बगल में स्कूल है और गांव का क्षेत्र है तो लोगों को उससे भी परेशानी होती है। वाइल्ड लाइफ एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो बहुत सारा इसमें अड़चने हैं। तो पहले भी बता चुके हैं बाकी सब क्रशरों को तोड़ते वक्त भी कि आप लोग अपना अपना बाउंड्री और 3 लेयर का पेड़, पानी की व्यवस्था ये सब रखिए। यहाँ आने पर हम लोग को कुछ मिला नहीं, तो जो अवैध क्रशर थे उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई। लगभग 100 से ऊपर ही क्रशर है, गूगल मैप का फोटो मैं दे दूंगा सबको। उसमें इतने सारे एकदम छोटे छोटे एकदम मक्खी के मुंडी जैसे एकदम भरे पड़े हैं यहाँ। और लाइसेंस कुछ 8-9 के पास ही है। जिनके पास लाइसेंस है वो लोग का भी कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं हुआ है, बस पेपर पे कार्रवाई हुई है। ऑफिसर्स की भी गलती है। तो मेरा मानना यही है कि यहाँ जितने अवैध हैं लगभग 80-90 के आसपास अवैध हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।